नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास दवे और आपका स्वागत है आपके अपने स्वदेशी बिजनेस आइडिया की यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम हर बार आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आते रहते हैं। और आज भी आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बिजनेस आइडिया बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बिजनेस आइडिया के पूरा जो नाम है उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा और वो आप कैसे कर सकते हो, वो डीप में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके रिलेटेड वीडियोस भी मैं एक एक करके आगे बनाऊंगा। और अगर आप वैसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अभी मैं जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ वो आप डीप में जान सको अगले आने वाले वीडियोस में। तो और देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 10 बिजनेस के बारे में। तो उसमें पहला बिजनेस है पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपके आसपास में कुछ भी लिखने के लिए यूज होता है पेपर, तो वो पेपर अलग अलग तरीके से बहुत जगह यूज होता है, तो उसमें हम ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पेपर का वो डाल सकते हैं। लो कॉस्ट में वो बिजनेस शुरू हो सकता है और उससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आप डाल के बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो पेपर है वो आपके आसपास में हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो या तो कोई भी कॉमर्शियल सेक्टर हो, सभी जगह ये यूज़ होता है। उसके बाद में जो दूसरा बिजनेस है वो है फाइल और फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। आपको जो हमारे यहाँ पे सामने एक फ़ोटो दिख रहा है वो है फोल्डर का। इसमें आप अपने अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स या तो कोई भी जो ज़रूरत का कागजात है वो सब आप इसमें स्टोर कर सकते हो और उसको आप ले बना के बेच सकते हो। तो बस ये स्कूल है, पोस्ट ऑफिस में, आपके आसपास में कहीं भी कॉमर्शियल सेक्टर में ये यूज़ होता है, तो इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और बेच के बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद में तीसरा जो बिज़नेस है वो है चार्जर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपके आसपास में या आपके पास में, आपके घर में दो लोग होंगे तो भी दो मोबाइल तो मिनिमम होने ही वाले हैं, तो और उनको चार्जिंग करने के लिए चार्जर की ज़रूरत रहती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि चार्जर बिगड़ जाता है, तो बस आप उसी रिगार्डिंग चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो और उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। आपको एक चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 20 रुपये पड़ेगी, बट आप मार्केट में बेचने जाओगे तो 150 से 200 में आप वो चार्जर बेच सकते हो और उससे मुनाफा कमा सकते हो। तो बस ऐसे ही आप ये यूनिट लगा के बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद में चौथा जो बिजनेस है वो है स्वीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो स्वीट यानी कि चॉकलेट हो या तो कोई मिठाई हो, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये स्वीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो B2C या B2B आप कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर को आप सीधे ही रीसेल करोगे तो उससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा और आप ये बिजनेस ग्रो कर पाओगे। उसके बाद में जो पांचवा बिजनेस है वो है बॉल पेन रिफिलिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, वो आपको आगे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में हम उसके लिंक दे देंगे, उसको आप रिफिल करके उसका बिजनेस शुरू कर सकते हो या तो नई जो बॉल पेन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस शुरू कर सकते हो और उससे भी बहुत ही अच्छा खासा आप जो मुनाफा है वो मुनाफा कमा सकते हो। आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी वो वीडियो की, आप वहाँ पर जाके उसकी पूरी डिटेल जान सकते हो। उसके बाद में जो छठा बिजनेस है वो है टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपके घर में, आपके आसपास में सभी जगह बच्चे तो रहते ही है और उनको खेलने के लिए टॉयज की ज़रूरत पड़ती है, तो बस आप छोटे छोटे टॉयज बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो और वो यूनिट लगा के आप आपके आसपास में जो भी टॉयज बेचता है उसके साथ कांटेक्ट करके उसको वो टॉयज बेच सकते हो और उससे अपना छोटा बिजनेस है वो चालू कर सकते हो और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो ऐसे ही हमारा सातवां बिजनेस है वो है प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी पानी हो, सोडा हो, कोका कोला, कोई भी आप देखने जाओ तो वो सभी चीज़ें बॉटल में आती है, तो बस ऐसे ही जो बॉटल होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस आप लगा सकते हो और जो
पानी मैन्युफैक्चरिंग, पानी की बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करता है या सोडा का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको वो बेच के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद में आठवां जो बिजनेस है वो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो बिजनेस आप ऐसी जगह लगा सकते हो कि जहाँ आपके आसपास में कोई भी ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी हो, तो वो यूनिट है आपका जो पार्ट्स बनाने का, वो आप लगा सकते हो और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी गाड़ियाँ बनाती हैं उसको बेच के आप अपना बिजनेस धीरे धीरे शुरू कर सकते हो और ग्रो करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद में जो हमारा नवा बिजनेस है वो है स्टेशनरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्टेशनरी में फोल्डर्स आ गए या पेपर्स आ गए, स्पाइरल्स आ गए, उसके सिवा जो पेंसिल, कलर, पेन, इरेजर, शार्पनर्स, स्टेपलर्स, रबर्स, गम, नोटबुक्स, कंपास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है स्टेशनरी में। तो बस उसका मैन्युफैक्चरिंग या तो आप बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हो और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो उसको पहले ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो और उसमें आपको लगे कि नहीं इसमें मुनाफा ज़्यादा है तो उसके बाद में आप उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। तो बस ऐसे ही हमारा जो दसवां बिज़नेस है वो है स्मार्टफोन बैक कवर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। तो आप यहाँ पे फोटोज में दिख रहे हो कि आपके जो मोबाइल है, मोबाइल को आप एक कवर में लगते हो जिससे वो प्रोटेक्ट हो रहे, उससे कोई भी डैमेज ना हुए। तो बस उसके पीछे कोई भी कवर आप स्मार्टफोन का डिज़ाइन कर सकते हो और उसके पीछे वो प्रिंट करके आप मार्केट में बेच सकते हो अलग अलग प्रिंटेड वाले। और किसी का फ़ोटो उसमें प्रिंट करना है तो आप वैसे भी कस्टमाइज करके बेच सकते हो और उससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। आपको वो बनाने में जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपये की लगेगी, बट आप वो कस्टमाइज करके 100 रुपये में भी बेच सकते हो। जी दोस्तों, तो आपने हमारे बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो थे वो तो देख ही लिए। कौन कौन सा जो बिजनेस आइडिया है वो आपको पसंद आया वो आप हमें कमेंट पे बताइएगा, जिससे उसके रिलेटेड बिजनेस आइडिया का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो हम पहले ला सके। बिजनेस के वीडियो तो लाने वाले हैं, पर जो आपको ज्यादा पसंद आया हो और जिसकी ज्यादा कमेंट होगी वो बिजनेस आइडिया हम सबसे पहले लाएंगे और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि वो कैसे कर सकते हो, कौन सा रॉ मटेरियल, कितना कॉस्टिंग, कितना प्रॉफिट, मार्केटिंग कहाँ करना है, वो सब उसमें बताएंगे। तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। इसके सिवा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही बिजनेस आइडिया रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है वो भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस इसी के साथ में ये पूरा वीडियो मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद।